सब्सक्राइब करें अकाउंट्स हवेली चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को अपडेटेड अकाउंटेंसी वीडियो सबसे पहले देखने। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मैं शोभित कुमार चौधरी फिर से आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट्स हवेली पर। अभी तक हमने WCR FIR को मेरे बच्चा खत्म कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस WCR FIR के जो लास्ट ईयर के पेपर में आए थे। ये मेरे हाथ में कुछ पेपर हैं, ये सेट मेरे हाथ में है, सेट 2, सेट 3 एंड सेट 1। ये तीन सेट आपके CBSE में आते हैं, एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये सेट नंबर 1 है हमारा जो लास्ट ईयर का पेपर है, ये सेट नंबर 2 है हमारा जो लास्ट ईयर का पेपर है, और ये सेट नंबर 3 है जो हमारा लास्ट ईयर का पेपर है। तो तीनों सेट में हम ये देखने वाले हैं कि इन सेट के अंदर जो क्वेश्चन आया है WCR का, उसमें हमें क्या करना है। देखिए, क्वेश्चन पूरा जो आया था 6 या 8 नंबर में क्वेश्चन आया था, लेकिन मैं क्या करूंगा, WCR वाला पॉइंट यहां पे आपके सामने नोट डाउन कर दूंगा और फिर आपसे कहूंगा कि बताइए आपको कैसा लगा, या हमने जो बताया था आप खुद सोचे कि वहां से बाहर है या नहीं है। बस पढ़ने की जरूरत है आपकी, बाकी कुछ आपको नहीं करना है। सेट 3 में क्वेश्चन नंबर 22 मैं लेके आपके सामने हूँ। सेट मेरे हाथ में जो है मेरे बच्चा, ये 3 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 22 है, जिसमें बैलेंस शीट का टोटल 6,79,000 है। लेकिन हमें इस बैलेंस शीट में ये कौन सा सेट है, ये है हमारा सेट 3। पेपर कौन सा है, ये पेपर जो आपके अभी हुए हैं, जो 90-20 में एग्ज़ाम हुए हैं, वो 90-20 एग्ज़ाम में ये आपका क्या क्वेश्चन आया है उसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। 90-20 के एग्ज़ाम में ये आया हुआ है। तो अपनी बना लेते हैं बच्चे बैलेंस शीट। हम अपनी क्या बना लेते हैं, हम अपनी बैलेंस शीट बना लेते हैं। और बैलेंस शीट में मैं केवल फिर से बोलता हूँ एक बार, मैं क्या लिखने वाला हूँ, मैं लिखने वाला हूँ केवल वो ट्रांजेक्शन। कौन सी ट्रांजेक्शन, जो रिलेटेड है हमारे क्वेश्चन से, लाइबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। तो मैं क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पे, केवल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो हमें क्वेश्चन में दिया था। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का दे रखा है इस क्वेश्चन में, 55,000 का रिजर्व हमें गिवन है। बैलेंस शीट के अंदर 55,000 का रिजर्व गिवन है। चलो बैलेंस शीट का टोटल कर देता हूँ, अगर आप बाई चांस इस पेपर को डाउनलोड करके देखें तो 6,79,000 बैलेंस शीट का टोटल है। ये केवल टोटल, मैंने बहुत सारी ट्रांजेक्शन दे रखी हैं, इसमें हमने केवल क्या लिया है, ये हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिया है। तो ये 55,000 का WCR है और ये बैलेंस शीट का टोटल है जो ऑलरेडी हमें गिवन है। इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं रीड आउट कर देता हूँ और अपने मतलब की एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ लिखूंगा, बाकी इन्फॉर्मेशन मैं नहीं लिखूंगा, WCR से रिलेटेड ही लिखूंगा। तो यहाँ पे उसने दे रखा है कि जो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है, वाज एस्टिमेटेड कितनी एस्टिमेटेड की गई है, एट ₹60,000। ये बैलेंस शीट में हमें दे रखा है कि हमने जो लाइबिलिटी एस्टिमेट की है वो 60,000 की लाइबिलिटी हमने एस्टिमेट की है। ये क्वेश्चन है। ओल्ड रेशियो क्या दे रखा है, एक बार ओल्ड रेशियो देख लेते हैं क्वेश्चन में। ओल्ड रेशियो दे रखा है हमें 3:1 का, जो ओल्ड रेशियो है पार्टनर्स का, जो ओल्ड रेशियो है पार्टनर्स का वो है 3:1 का। ये क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में दिया हुआ है, सेट 3 90-20 का, यानी पिछले साल का ही ये पेपर है। तो जल्दी से बताओ आप कैसे करेंगे। मैंने क्या बताया था, बैलेंस शीट में जो दे रखा है WCR उसको डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये रिजर्व के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, उनको क्या कर देते हैं, हटाने के लिए डेबिट कर देते हैं। और उसकी जगह क्रेडिट कितने को करेंगे, जितना हमारे पास क्लेम या जितनी हमारे पास लाइबिलिटी या क्लेम जो आया है उसको हमें क्रेडिट करना है। इतना मैं आपको बताया था, इसको मैंने याद करवाया था ओल्ड टू न्यू। मैंने कहा था इसको मान लेंगे ओल्ड, इसको मान लेंगे न्यू। तो इसका आंसर करते हैं मेरे बच्चों और जर्नल एंट्री बनाते हैं। बनाइए, ओल्ड में क्या लिखेंगे आप, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितने का रिजर्व है वर्कमैन कंपनसेशन का, 55,000 का रिजर्व है मेरे बच्चा। और कितने की लाइबिलिटी आ रही है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का आ रहा है या लाइबिलिटी कितने की आ रही है, वो है 60,000 की, ठीक है मेरे बच्चों। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का है, 55,000 का, क्लेम कितने का आया, 60,000 का। तो डिफरेंस कहाँ आ रहा है, डेबिट साइड में, कहाँ आ रहा है, डेबिट साइड में,
जगह कम पड़ गई है समझ जाना। तो जो डेबिट साइड में लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, रिवेल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से, जितने की कमी है 5000 की। ये बन गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। केवल हमने क्या किया है, ये हमने केवल वो पोर्शन किया है जो हमारे काम कर रहा है WCR का, ठीक है। अब क्वेश्चन में तो ये जो क्वेश्चन आया था इसमें तो हमें बेटा रिवेल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट बनानी थी, तो हम रिवेल्यूएशन के डेबिट में 5000 लिखते वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम के, कि क्लेम आया है तो 55000 तक का इंतजाम तो हमने कर रखा है, 5000 की कमी पड़ी, लॉस हुआ तो लॉस को हमने निकाल लिया रिवेल्यूएशन अकाउंट से, ठीक है। इतना ये हमने कर लिया। ये बेटा सेट 390/20 का क्वेश्चन था, उसमें दे रखा था। आगे बढ़ते हैं, ये एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा कितने सारे क्वेश्चन हमें दे रखे होते हैं। इसी सेट में एक क्वेश्चन और दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देता हूं मैं इसको, और एक क्वेश्चन और दे रखा है मेरे बच्चों, उसको मैं क्वेश्चन नंबर 2 का नाम देता हूं। उसमें क्या बोल रहा है, सेम बैलेंस शीट गिवन है। अब मैं पूरी बैलेंस शीट नहीं बनाऊंगा, शॉर्ट में लिख दूंगा। फिर से हमें एक बैलेंस शीट गिवन है, और बैलेंस शीट में क्या दे रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और कितने का रिजर्व गिवन है मेरे बच्चा, 6000 का रिजर्व हमें गिवन है। आगे पढ़ेंगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन में जाएंगे, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें बता रखा होगा कि इसका क्या करना है, इस 6000 पे कितने का क्लेम आया है। तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, तो जैसे ही मैंने सारा क्वेश्चन पढ़ लिया, गुडविल दे रखा है, बैड डेट्स दे रखा है, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर है, लायबिलिटी टुवर्ड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाज एस्टिमेटेड 1500, तो लायबिलिटी ये दे रखा है, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और सीधा सीधा फ्लैट लैंग्वेज में लिख देते हैं कितना, 1500 रुपए की लायबिलिटी आई है, ठीक है। यानी कि एक बार ये क्वेश्चन है, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दे रखा है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे सर, फिर से वही कॉन्सेप्ट, ओल्ड टू न्यू। तो क्या एंट्री बना दोगे आप, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से, 6000 से, ठीक है, कितने से, 6000 से, और कितने का क्लेम आया है टू वर्कमैन कंपनसेशन, क्लेम कितने का आया है मेरे बच्चा, 1500 रुपए का। 6000 रुपए का रिजर्व पड़ा हुआ है, क्लेम 1500 का आया है, डिफरेंस किधर बचता है, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड कहां ले जाते हैं, उसको पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो कितने पार्टनर हैं क्वेश्चन में हमें देखना पड़ेगा, 3 पार्टनर हैं, ABC जो पार्टनर है वो 3 पार्टनर है, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी, और इस ABC का इन्होंने रेशियो दे रखा है, बैलेंस शीट दे रखी है हमें, 1-2 रिटायर हो रहा, रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, तो सी ने डिसाइड किया इतने का, बेटा रेशियो दे ही नहीं रखा है पूरे क्वेश्चन में, ओल्ड रेशियो दे नहीं रखा, तो जब पूछना बताए तो हम क्या मान लेते हैं, इक्वल रेशियो, क्या मान लेते हैं इनका, इनका जो रेशियो है वो इक्वल रेशियो है, यानी कि ये बराबर बराबर प्रॉफिट बांटेंगे, ठीक है। मैं बोल देता हूँ ये इक्वल लिखा हुआ है, तो इक्वली बांटेंगे ए और बी सी, तो कैसे लिखोगे आप, 2A की कैपिटल, 2B की कैपिटल, और 2 किसकी बेटा, 2C की कैपिटल, ABC में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बेटा 6000 में से 1500 जाएंगे तो कितने बचेंगे मेरे बच्चों, 4500 को बराबर बांटो, कैसे बांटोगे, 1500 1500 1500, तो ए को भी 1500 मिलेंगे, बी को भी 1500 मिलेंगे, सी को भी 1500 मिलेंगे। सर आपने एक बात और बताई थी कि अगर क्वेश्चन ने ये बोल दिया कि हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, आपने एक बात और बताई थी कि क्वेश्चन ने अगर ये बोल दिया हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, और हमारी कैपिटल अगर फिक्स्ड है, अगर हमारी कैपिटल फिक्स्ड है तो इस केस में करंट अकाउंट लिखते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा क्वेश्चन में, बेटा जब ऐसे कैपिटल दे रखी होगी तो अलग से करंट अकाउंट गिवन होंगे, यहाँ बैलेंस शीट में ऐसे बोलेगा ABC की कैपिटल इतनी, ए का करंट अकाउंट इतना, बी का करंट अकाउंट इतना, हो सकता है किसी का करंट अकाउंट का बैलेंस इधर दे रखा हो एसेट साइड, क्योंकि करंट अकाउंट का डेबिट क्रेडिट कोई भी बैलेंस हो सकता है। तो मेरे बच्चे याद रख के चलेंगे, अगर बैलेंस शीट में केवल कैपिटल दे रखी है तो यानी कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, और करंट अकाउंट का बैलेंस भी दे रखा है तो फ्लक्चुएटिंग नहीं है, फिर फिक्स कैपिटल है तो यहाँ पे करंट अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। जो सेट है वो है सेट नंबर 2, ये बोर्ड का लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, सेट नंबर 2 मेरे हाथ में है इस बार, और इसमें क्वेश्चन नंबर 21 पर है, क्वेश्चन नंबर 21 पर है। तो अब जो मैं हाथ में ले रहा हूँ वो है मेरे हाथ में सेट 2, 1920 के पेपर का सेट 2 है। इसमें मेरे बच्चा क्या दे रखा है, ढंग से देखें, इसमें बच्चा क्वेश्चन ने दे रखा है बैलेंस शीट के अंदर, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बैलेंस शीट में हमें WCR दे रखा है,
कितने का डब्ल्यू सी आर दे रखा है, 55,000 का, 55,000 का डब्ल्यू सी आर दे रखा, पहले भी 55,000 का था, इस वाले क्वेश्चन में भी तो शायद इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन होगा, चेक कर लेते हैं। और लाइबिलिटी 60,000 की, तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। और यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ लाइबिलिटी दे रखी है 60,000 की, तो बेटा सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, बिल्कुल सेम यही वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो इसका आंसर अभी हमने आपके सामने ही नीचे लिखा है, तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। यानी कि डब्ल्यू सी आर का दूसरे सेट में जो क्वेश्चन आया वो सेम आया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट में जो हमें दे रखा है, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी बेटा डब्ल्यू सी आर के बारे में जो दूसरा क्वेश्चन है सेट में, ये भी सेम है। आपने बच्चों के पेपर ले लिए सर? हाँ बेटा, मैंने बच्चों के पेपर ले लिए। जो बच्चों का पेपर हो जाता है तो वो पूछने आते हैं कि सर देख लीजिए कैसा रहा, वो बताते हैं हम ये करके आए हैं, हम ये करके आए हैं, तो फिर मैं उनको बता देता हूँ सारी बातें कि हाँ भाई आप कितने का करके आए हैं और आपका कैसा रिजल्ट आने वाला है। जो हम रिजल्ट बताते हैं 4-5 नंबर ऊपर नीचे। इसमें भी बेटा डब्ल्यू सी आर का सेम कॉन्सेप्ट दे रखा है, सेम क्वेश्चन यहाँ आया हुआ है। तो यानी कि कहने का मतलब एक साफ है कि जितना आपको कराया जा रहा है वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से है, बोर्ड में उस तरीके के काफी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रिपीट होके आ रहे हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ अपने पास से, मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपको और उम्मीद करूंगा वो क्वेश्चन आप करके लाएंगे और मुझे बताएंगे कि आप कैसे क्या उसका आंसर आया, ठीक है। तो आप जर्नल एंट्री बना के लाएंगे, मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग, जो आपको डिटेल दे रखी है वहां से जर्नल एंट्री बनाने के लिए आपसे बोल रहा है। पहला वर्कमैन रिजर्व, मतलब वही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ रुपीज 50,000, ठीक है। और आगे बोलता है नो क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, कोई क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन का नहीं आया है, इसकी जनरल एंट्री बनानी है आपको। दूसरा मैं आपको देता हूं वर्कमैन कंपनसेशन, ये क्वेश्चन जरूर करें, ये समझ ले पेपर में आ गई है, ऑफ रुपीज 5,000 एंड क्लेम फॉर वर्कमैन ऑफ रुपीज 4,000, ठीक है। पार्टनर मान लेते हैं, मैं लिख देता हूँ जो फर्म में पार्टनर्स हैं ए एंड बी हैं, और इनका जो रेशियो है, रेशियो ऑफ ए एंड बी 2:1 का है, ठीक है, 2:1 का रेशियो, पॉइंट वगैरह में कोई बात नहीं, उसको राइट ऑफ कर देंगे आप नियरेस्ट रुपीज तक। तीसरा क्वेश्चन हम मान लेते हैं वर्कमैन कंपनसेशन ऑफ रुपीज 1,00,000, कितने का कंपनसेशन है 1,00,000 का, एंड क्लेम फॉर वर्कमैन ऑफ रुपीज 1,20,000, क्लेम कितने का है 130 का कर देते हैं, चलो 1,30,000, आपके काटने में समस्या नहीं आएगी डिस्ट्रीब्यूट करने, ठीक है। इसी में मैं आईएफआर के क्वेश्चन भी दे देता हूँ, सेम क्वेश्चन है, आईएफआर के क्वेश्चन भी दे देता हूँ। लिखिए आईएफआर दे रखा है हमें 5,000 का, ठीक है, ये फुल स्टॉप लगा दिया मैंने, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट डिक्रीज्ड बाई रुपीज 4,000, दो पार्टनर हैं ए एंड बी पार्टनर हैं, रेशियो है 1:1 का, ऐसे हमने यहाँ नहीं माना, यहाँ पे भी मान लेते हैं मेरे बच्चा, ए एंड बी पार्टनर हैं, रेशियो है 2:1 का, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन की जनरल एंट्री आप मुझे बना के दिखाएंगे, मुझे पता है मेरा बच्चा जरूर बना के दिखाएगा, जरूर आंसर इसका देगा, फिर मैं बताऊंगा, कमेंट कर देना, फिर मैं बताऊंगा आपने सही किया या गलत किया है। उसके बाद ले लेते हैं एक बैलेंस शीट बना कर दे देते हैं, ए क्वेश्चन अच्छे से बना कर दे देते हैं, बैलेंस शीट में यहाँ दे रखा है मेरे बच्चों आईएफआर 5,000 का, और इधर दी हुई है हमें इन्वेस्टमेंट दे रखी है बेटा 50,000 रुपये की। अब नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, अब जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है ऑफ रुपीज 45,000, ठीक है, क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 55,000, अब जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो 45,000 रुपये की है, ठीक है। अब 45,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू की, चलो इसी में दो क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी के दो पार्ट बना देते हैं, इसको ए पार्ट बोल देता हूँ, इसको बी पार्ट, ठीक है, या तो ये या ये। तो आपका क्या आंसर होगा अगर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर आपका क्या आंसर होगा अगर मैं ये बोल देता हूँ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 60,000, अगर 60,000 की वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की तो आपका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, दो क्या बहुत सारे हो गए, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, उम्मीद करूंगा आप ये क्वेश्चन जरूर करके लाएंगे। ये समझिए पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं,
आंसर इनके पहले आप निकालें, कमेंट करें, अदरवाइज फिर मैं कमेंट सेक्शन में इनके आंसर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन इट्स बेटर पहले आप करके अपने कमेंट्स करें कि इसका आंसर क्या होगा, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, मैं अपनी तरफ से आंसर प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं फिर से गारंटी के साथ बोलता हूँ, ये जो मैंने आपके सामने IFR और WCR के क्वेश्चन रखे हुए हैं, इनसे बाहर पेपर में कुछ नहीं आने वाला है, ये ही आएंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 99.99% कवरेज इससे ज़्यादा नहीं होगी। बस क्वेश्चन करने के लिए, अगर आप डायरेक्ट यही वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले वाली वीडियो बेटा जो WCR के कॉन्सेप्ट की है और जो IFR के कॉन्सेप्ट की है वो देखें, उस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद मेरे बच्चा इस वीडियो पे आएं, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझेंगे तो कहाँ से बनाएंगे। कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा WCR वाली वीडियो का, IFR वाली वीडियो का भी, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके भी देख सकते हैं या अलग से सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको इजीली। अगर आप चैनल पे नए हैं, अपने काम की बात कर लेते हैं, तो मेरे बच्चा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें, अपने सजेशन देते रहें। हाँ, मैं बिल्कुल ये मैं कहने में नहीं डरता, अभी कुछ लोग, जैसे हमने कोरोना पेंडेमिक में अपना ये चैनल स्टार्ट किया है, पहले हमने ट्राई किया था लेकिन एक दो वीडियो के बाद हमने बंद कर दिया, ऐसी देख रहे थे, लेकिन उसके बाद हम इसको रेगुलरली अब ऑपरेट कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो कुछ टीचर्स वगैरह बोलते हैं कि भीख मांग रहे हैं बच्चों के साथ। हाँ, हम कह रहे हैं, हम बच्चों से भीख मांग रहे हैं कि हमें सब्सक्राइबर चाहिए तो चाहिए, क्यों क्यों मेहनत कर रहे हैं तो क्यों कंसिडरेशन उसका नहीं लेंगे, क्यों रिजल्ट नहीं चाहिए हमें, क्यों प्रतिफल नहीं लेंगे हम उस चीज़ का, मेहनत करेंगे तो आपका फीडबैक हमें चाहिए चाहिए। ऐसे लोगों से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हेटर्स जाएं भाड़ में, हमें उनकी कोई कदर है नहीं, वो खुद हमारी वीडियो देख देख के सीख रहे हैं और हमें समझा रहे हैं, तो उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। बस आपका प्यार हमारे साथ रहे, आपका प्यार हमें मिलता रहे, आप ऐसी वीडियो देखते रहें, सजेशन अपने देते रहें, जब तक के लिए घर रहें, सीखते रहें और जीतते रहें।